हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर स्मॉल बाथरूम टू लग्जरी बाथरूम। इस वाले वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइल की प्लेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट की दो वीडियोस के अंदर हमने ये देखा कि हम टाइल सिलेक्शन को यूज़ करके उसके स्पेस को, टॉयलेट शीट को, वॉशबेसिन को, शावर एरिया को डेडिकेटेडली स्पेस दे के एक प्रॉपर डिजाइनिंग में कैसे छोटे बाथरूम को बड़ा बाथरूम दिखा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस वाली वीडियो के अंदर, मैं आपको टाइल्स की प्लेसमेंट दिखाऊंगा कि किस तरीके से, किस कॉम्बिनेशंस में आप टाइल्स लगा सकते हैं। नॉर्मल एक वॉल को डार्क करके बाकी सारी वॉल को लाइट्स को यूज़ करते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। आपने कटिंग पार्ट वाली लास्ट वीडियो में देखा, जहाँ पे हमने कटिंग की टाइल्स को एक वॉल पर यूज़ करके बाकी वॉल्स को हमने प्लेन किया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेम दो कलर को पूरी वॉल्स पर यूज़ करके क्या उसकी लुक आती है, और पेंसिल्स की लुक इसके अंदर एड ऑन करके कैसे आप इसको एनहेंस कर सकते हैं। लेट्स गो। तो ये है हमारा स्मॉल साइज़ का बाथरूम, वही 8x5 का बाथरूम, जहाँ पे हमने टाइलिंग की है। अगर मैं बात करूँ तो टाइलिंग में हमने नीचे वाले पार्ट के अंदर डार्क कलर को यूज़ किया हुआ है, ऊपर वाले पार्ट को लाइट के अंदर यूज़ किया हुआ है, और बीच के अंदर पेंसिल्स और इन्हीं टाइल्स के कटआउट को ऑल ओवर द बाथरूम यूज़ करके कैसे इसकी लुक को एनहेंस किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हमें यही देखना था कि कैसे हम टाइलिंग को, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक वॉल को हाईलाइट कर देते हैं, बाकी सारा लाइट कर देते हैं, तो कॉम्बिनेशन चलता है या डिज़ाइनिंग चलती है तो यही चलता रहता है। बट आपके पास ऑप्शंस की कमी महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर नहीं होने देगा, और आपकी जो डिज़ाइनिंग है आपके बाथरूम के हिसाब से हम आपको वो सजेस्ट करते हैं कि कैसे आप आपकी टाइल की सिलेक्शन को उस जगह के अंदर उसकी प्लेसमेंट को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके कैसे उसको थोड़ा सा और लग्जरी बना सकते हैं, और छोटे स्पेस के बाथरूम को कैसे आप बड़ा बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो प्रॉपर अगर बीच के अंदर पेंसिल्स की एक लुक, जो रोज गोल्ड की लुक दी हुई है, इसके कटिंग पार्ट में 12 इंच की टाइल है हमारे पास, 6 इंच की टाइल है हमारे पास, फिर 12 इंच की टाइल है, इन टाइल्स की कटआउट को प्लेसमेंट की बिहाफ पे यूज करके कैसे उसकी लुक को थोड़ा सा और एनहेंस किया जा सकता है। तो ये थी हमारे इस वाले बाथरूम की लुक, जहां पे हमने टाइलिंग की प्लेसमेंट को देखी। बाकी अगर हम बात करें शावर एरिया यूनिट या फिर वैनिटी का यूनिट या फिर हम टॉयलेट शीट की बात करें, तो हर एक चीज़ के अंदर हमें हर एक स्पेस में एक अच्छी खासी लुक, अच्छी खासी डेडिकेशन एक जगह के साथ आपके छोटे बाथरूम को बड़ा बना के उसको लग्जरी भी बनाया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको देखने आने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट पे, चाहे वो टाइल्स हो, सैनिटरी वेयर हो, एडहेसिव्स हो, या एसेसरीज हो, किसी भी ब्रांड की हो, सोमानी की हो, कजारिया की हो, जैगवार की हो, किसी भी ब्रांड की हो, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं PDF के लिए। तो इस तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।